हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज का अपडेट है बजरंगी भाईजान के सीक्वल से लेके। जी हाँ, सलमान खान के करियर की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक बजरंगी भाईजान रही है। फिल्म की स्टोरी लाइन से लेके सॉन्ग्स तक सब उनके फैंस को खूब पसंद आए थे। अब भाईजान ने फिल्म के सीक्वल का ऐलान कर दिया है। इस खबर के आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर जमकर धमाल मचा हुआ है और सलमान के फैंस में ज़बरदस्त उत्साह भी है। सलमान खान ने इस बात का ऐलान रविवार को मुंबई में RRR के इवेंट में किया था। इस मौके पर RRR के डायरेक्टर SS राजमौली और एक्टर जूनियर NTR रामचरण, आलिया भट्ट और प्रोड्यूसर करण जौहर भी मौजूद थे। गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ऐसी अच्छी वीडियोस और बॉलीवुड की जानकारी पाने के लिए। थैंक यू। सलमान खान हाल ही में RRR के हिंदी रीमेक के फंक्शन में शामिल हुए। इस इवेंट में सलमान खान ने कह दिया कि बजरंगी भाईजान का सीक्वल आने वाला है। बजरंगी भाईजान सलमान खान के करियर की सबसे बेहतरीन और सफल फिल्मों में से एक मानी गई है। बजरंगी भाईजान ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 300 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। बजरंगी भाईजान 2015 में रिलीज हुई थी और इसको कबीर खान ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में सलमान खान, करीना कपूर खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में थे। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई मिली थी और फिल्म बॉलीवुड की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 5 फिल्मों की फेहरिस्त में भी शामिल है। वर्क फ्रंट को देखें तो सलमान खान अब दिल्ली में कटरीना कैफ के साथ अपनी आने वाली फिल्म Tiger 3 की शूटिंग करने वाले हैं। इसके अलावा सलमान के पास कभी ईद कभी दिवाली जैसी फिल्में भी हैं। सलमान खान जल्द ही शाहरुख खान की फिल्म पठान में कैमियो करते नजर आएंगे। सो गाइस, ये था आज का अपडेट। वीडियो आपको कैसी लगी है अपनी राय कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।